गुड़हल में अगर हमने इस समय ये काम नहीं करे तो जो आने वाला समय है उसमें जो हम फ्लावरिंग जो गुड़हल से मिलती है हमें वो नहीं ले पाएंगे। जैसे कि इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, जैसे नए फूल भी आ रहे हैं देखिए, लेकिन ये फूलों का साइज़ बहुत छोटा है क्योंकि इस समय जो है ठंड का मौसम अब थोड़ा जाने की कगार में, हल्के हल्के जो फूल खिल रहे हैं अब ये धूप की वजह से, जो धूप बढ़िया मिल रही है इनको उसकी वजह से हो रहे हैं। और गुड़हल में अगर हमने ये काम अभी नहीं करे तो आने वाले समय में हम इसमें जो है फ्लावरिंग अच्छी नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें इसको। ये देखिए जैसे हमारा गुड़हल का पौधा है, इसको मैंने पिछले साल रिपोर्ट करा था, तो इसमें जो जड़ें हैं देखिए ये साइड में फैल चुकी हैं, ये इसकी हमें दोबारा से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो आज जो वीडियो है ये रिपोर्टिंग और इसमें जो जो खाद देनी पड़ती है उसके उसमें है, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। इसमें सबसे पहले जो है गुड़हल के पौधे को बिल्कुल रिपोर्टिंग करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा। ये देखो हमने जो गुड़हल का पौधा है इसको पूरा निकाल दिया है, इसमें देखिए कितनी जड़ें फैल चुकी हैं। अगर इस समय हम इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो ये फूल इसमें अच्छे नहीं आएंगे। इसको निकालते हैं, देखिए ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है, देखिए कितनी भुरभुरी बनी है, इसमें जड़ें आसानी से फैल जाती हैं। अगर आपका पौधा भी करीब 2-3 साल का हो चुका है तो इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। ये देखिए इसमें जैसे जड़ें फैल चुकी हैं, अगर आपकी भी ऐसे पौधे में जड़ें फैल चुकी हैं तो इसमें रिपोर्टिंग करनी इसकी ज़रूरी है। और अगर गुड़हल के पौधे की हर साल रिपोर्टिंग कर दें तो इसमें जो है कम से कम जो है बरसात तक, बरसात के बाद तक इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। मेरे इस पौधे में देखिए अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, इसमें कंटिन्यू फ्लावर खिले हैं, कभी भी इसमें रुके नहीं है। जबकि ये जो गुड़हल का पौधा है ये कहते हैं जाड़ों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। मैंने पौधे में जो रिपोर्टिंग करने की वजह से और इसमें जो खाद दी है उसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। इसकी पूरी जड़ें निकाल दी देखिए, अब इसको ऐसे ही लगाना है, इसमें रूट जो है रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, रूट इसमें सही है। इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ खाली में। सबसे पहले देखिए गमला जो है आप बड़े साइज़ का ही लें, कम से कम 12 इंच से ऊपर का लें, तभी इसमें जो है फ्लावर अच्छे खिलेंगे। ये देखिए इसमें रिपोर्टिंग करने से पहले इसमें जो मिट्टी हमने निकाली है उसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं उसमें, क्योंकि जड़ें ज़्यादा नहीं हैं, छोटी छोटी जड़ें हैं निकली हुई हैं, उसी को यूज़ कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, उसके बाद जो है इस पौधे को ऐसे ही लगा दिया इसमें, और फिर मिट्टी इसमें दोबारा से पूरी भर दी। मिट्टी के साथ आप यूज करना चाहते हैं तो मैं इसमें जो जो यूज करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। पहले मिट्टी हल्की सी भर लेते हैं। इसमें देखिए आप थोड़ी सी नीम खली डाल देंगे जिससे कि क्यों रिपोर्टिंग जो कर रखा है उसका शौक जो ना लगे इसमें। ये नीम खली जो है फंगस से भी बचाएगी इसको, थोड़ी सी नीम खली का छिड़काव कर देंगे और हल्की मात्रा जो है इसमें DAP की डाल देंगे। 8-10 दाने इसमें DAP के डालेंगे। DAP जो है इसकी ग्रोथ करेगी, जड़ों की, जड़ों के विकास के लिए DAP जरूरी है। 8-10 दाने करीब इसमें DAP डाल देंगे और DAP के बाद इसमें थोड़ी सी गोबर खाद भी यूज कर रहा हूँ। ये गोबर खाद भी डाल दी इसमें और फिर से दोबारा से उसको उसी मिट्टी से पूरा भर देंगे। इतना भरना है कि इसमें जो है इतने स्थान तक पानी रहे। गुड़हल के पौधे में आप भी ये काम कर सकते हैं और आने वाले समय में आप गुड़हल के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस तरीके से इसको मिट्टी से पूरा भर दीजिए और हल्के हल्के इसको हाथ से ऐसे दबा दीजिए जिससे कि जड़ें जो हैं वो ऊपर को ना आए और मिट्टी में दबे रहें। ये देखिए हो गया। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे आप और इसको 1-2 दिन छाया वाले स्थान में रखें, उसके बाद इसको पूरे दिन की धूप मिले तो इसमें जो है फ्लावरिंग अच्छी होगी। और जैसे देखिए इसमें ये कई स्टेम ऐसे हैं जिसमें फ्लावर आ चुके हैं और दोबारा से इसके नीचे से नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, इसलिए इनको हल्का हल्का हम प्रूनिंग करेंगे। पिछली बार इसमें प्रूनिंग करी थी तो नई ग्रोथ आ के इसमें फ्लावर अच्छे खिले हैं। हल्की हल्की देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इसकी प्रूनिंग कर दीजिए आप भी। प्रूनिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि पौधा जो है घना होता है और उसमें जो अगली बार जो आती है इसमें अच्छी फ्लावरिंग आती है। कितनी ये देखिए मैंने कलियाँ भी निकाल दी हैं क्योंकि इसमें अभी छोटे फ्लावर खिल रहे हैं, जब ये ग्रोथ करेगा तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब आगे इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और इसको कुछ दिन छाया वाले स्थान में रख दीजिए। मैंने हल्की प्रूनिंग कर दी है देखिए। आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं अगर आपका पौधा बड़ा घना है तो। मेरा पौधा थोड़ा छोटा है तो इसकी मैंने
हल्की प्रूनिंग कर दिए। इस तरीके से आप गुड़हल के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं आने वाले समय में।